पेशकश, TV24 की खास पेशकश में हम आपको बताना चाह रहे हैं, वादे कितने पूरे कितने अधूरे। तमाम जो 20 विधानसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान होने वाले हैं, उसका हम समीक्षा, विश्लेषण और समीकरण को समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मोहन तिवारी, हमारे संपादक, और हमारे चुनाव विश्लेषक राजनांदगांव से भी जुड़े हुए हैं और डोंगरगढ़ और खैरागढ़ से भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम बात करेंगे इस विषय को, इस वक्त इस पूरे आधे घंटे हम खैरागढ़ और डोंगरगढ़ विधानसभा के समीकरण, वहां के व्यवस्थाएं, वहां किस क्या मुद्दे हैं और जनता क्या चाहती है, कितने अधूरे काम बचे हैं, कितने पूरे हुए हैं, क्या नए प्रत्याशी आए हैं, पुराने प्रत्याशियों का क्या हुआ, क्या विरोध के स्वर हैं, तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे। मोहन, मैं सबसे पहले आपसे डोंगरगढ़ का जो पूरा जो धर्म की नगरी है डोंगरगढ़, मैं उसमें समझना चाहूंगा। बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और लगातार इस बार भी ऐसा देखने को आ रहा है कि जो वर्तमान विधायक थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं दी गई है। उनकी जगह हर्षिता जो स्वामी बघेल है, उन्हें इस बार टिकट दिया गया, उन पर भरोसा किया है कांग्रेस ने। और विनोद खाडेकर जो भाजपा से लगातार वहां पर उन्हें प्रत्याशी बनाते रहे हैं और पिछले बार एक बार के विधायक भी रहे हैं वो, तो कैसा समीकरण होगा, क्योंकि लगातार नए नए वादे इरादे रोज बड़े बड़े जो केंद्रित नेतृत्व हैं वो करते जा रहे हैं। जी देखिए, डोंगरगढ़ वो सीट है जिसे माता का दरबार माना जाता है और यहाँ की जो प्रसिद्धि है वो इसी बात को लेकर है कि वहाँ पर माता बम्लेश्वरी का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है वो SC बहुल्य क्षेत्र है और इसीलिए ये जो सीट है वो SC वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन SC वर्ग में भी खास बात यह है कि यहाँ बौद्ध जो धर्मावलंबी हैं, जो बाद में महर्ष जाति के थे और बौद्ध धर्म ले लिए, SC वर्ग में आते हैं, उनकी भी बहुलता है। इसलिए इस समीकरण को देखते हुए दोनों ही पार्टियां अपनी टिकट अब तक घोषित करती आई हैं। कांग्रेस ने इस बार जो है वो कुछ चौंकाने वाला फैसला किया है कि अपने विधायक जो कि पहली बार बने थे भुवनेश्वर बघेल, उनको ड्रॉप किया है। यंग विधायक थे, शोभा राम बघेल के पुत्र थे और शोभा राम बघेल उनके SC सेल को यानी कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चे को जो है वो संभालते थे, उसके वो पुत्र थे, शोभा राम बघेल के पुत्र भुवनेश्वर बघेल। लेकिन उनका परफॉर्मेंस खराब था इसलिए उनको ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह अब वहां पर जिला पंचायत में सदस्य हर्षिता स्वामी बघेल को मौका दिया गया है। नया चेहरा है, यंग है और महिला को क्योंकि टिकट भी देना था तो उस समीकरण से भी वो फिट बैठ रही थी, इसलिए कांग्रेस ने ये प्रयोग किया है। लेकिन BJP ने यहाँ पर फिर से वही पुराना दांव खेला है जो विनोद खांडे दो बार से चुनाव लड़ते रहे हैं। एक बार उनको ड्रॉप किया गया था 2018 में, सरोजनी बंजारे को टिकट दे दी थी, लेकिन विनोद खांडे कहीं ना कहीं पार्टी के पदों में रहे, स्काउट गाइड के जो होता है सेल उसमें भी वो अध्यक्ष रमन सरकार में रहे, इसके अलावा जब वो विधायक थे तो उन्हें संसदीय सचिव भी बनाया गया था। तो विनोद खांडे पुराना नाम है, तो पुराने पत्ते एक बार खेल दिए है BJP ने फिर से। और ये पूरा जो सीट है वो जैसे कि हमने बताया कि SC बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर इस बात की भी चर्चा है कि वो धार्मिक नगरी है, उसे अच्छे से विकसित किया जाए, आने जाने के मार्ग बेहतर बनाए जाए, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था बेहतर की जाए, बाहर से लोग आते हैं तो व्यापार बढ़े, इसके लिए जो व्यवस्थाएं वो की जाए, इस तरीके की मांगों के साथ ये पूरा चुनाव खुल गया है। नया उम्मीदवार हमें देखने को मिल रहा है BJP से।